जो केसेस निकले हैं ये मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के केसेस हैं, आईसीएमआर में रिपोर्ट हुए हैं। मलेरिया विभाग की टीम को हमने भेज के वहाँ सर्वे करा रहे हैं। दोनों जगह पे समय से इलाज ना मिले तो जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इसमें झटके आने का डर रहता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि चूंकि ये बीमारियां मच्छर जन्य बीमारियां आदमी के द्वारा स्वयं उत्पन्न की जाती हैं। जबलपुर में जैपनीज फीवर, जापानी बुखार की एंट्री हुई है। यहाँ दो बच्चों को जैपनीज फीवर के वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। ये बीमारी बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ये जैपनीज फीवर होता क्या है, किस तरह से ये होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आर के पहाड़िया हैं, जबलपुर के जिला मलेरिया अधिकारी हैं। सर, ये केसेस किन मरीजों में मिले हुए हैं और आप लोगों ने क्या आगे कदम उठाए? नहीं, ये जो केसेस निकले हैं ये मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के केसेस हैं, आईसीएमआर में रिपोर्ट हुए हैं। चूँकि बच्चों का मामला है, कल हमें जब मेल मिला है और रिपोर्ट आई हमारे पास, तो मलेरिया विभाग की टीम को हमने भेज के वहाँ सर्वे करा रहे हैं दोनों जगह पे, और आसपास कहीं फीवर के केसेस तो नहीं मिल रहे हैं। यदि निकलेंगे तो उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी और नगर निगम के सहयोग से वहाँ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कराई जा रही है, विभाग पूरी निगरानी में रखे हुए। सर, ये मच्छरों के काटने से ही ये बीमारी होती है और आम मच्छरों के काटने से जैसे मसलन मलेरिया और डेंगू होता है, ये बीमारी किस तरह के मच्छर के काटने की होती है, इसको विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है? ये मच्छर के एनाफिलैक्स वैरायटी है, उसके काटने से होता है, वायरल डिजीज़ है और ये कैरियर होता है आगे। तो नॉर्मली रेयर मिलते हैं, लेकिन हाँ यदि रिपोर्ट हुए हैं तो विभाग उन पर निगरानी रखे हुए हैं। तो इस बीमारी को कितना सर खतरनाक माना जाता है, ये जानलेवा भी हो सकती है? चूँकि बच्चों में ये बीमारी मिल रही है और बच्चों को नेचुरल है कि कई बार यदि समय से इलाज ना मिले तो जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इसमें झटके आने का डर रहता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो नुकसान होने का। ब्रेन में भी कुछ इफेक्ट करती है इसका वायरस? हाँ, यदि ज़्यादा यदि सीवियरिटी बढ़ेगी तो ब्रेन डैमेज होने का डर रहता है जी। तो ऐसे में सर, एक आम परिवार अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए ताकि उसे इस बीमारी का शिकार ना होना पड़े? जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि चूंकि ये बीमारियां मच्छर जन्य बीमारियां आदमी के द्वारा स्वयं उत्पन्न की जाती हैं, यदि हम अपने आसपास जल भराव ना होने दें, आसपास कूड़ा करकट ना जमा होने दें, फ्लावर पार्ट में पानी जमा ना होने दें, चूंकि नॉर्मली मच्छर जो बीमारियां बढ़ती हैं मच्छर जन्य, ये बारिश के सीजन में बढ़ती हैं, चूँकि वाटर लॉगिंग होती है, आसपास पानी रुकने लगता है। कूलरों में पानी ना रुकने दें, फ्रिज की जो पीछे की डिफ्रॉस्ट ट्रे है उसको समय समय पर चेक करें, पूरी बाह के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें। यदि ये छोटी छोटी सावधानी करेंगे तो मॉस्किटो बोन डिजीज़ या मच्छर जन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। और इस जैपनीज फीवर के पॉजिटिव केस आने के बाद आप लोग ने क्या कदम उठाए हुए? इन केसेस में मलेरिया विभाग की टीम वहाँ सर्वे कर रही है, आसपास यदि कोई फीवर केसेस निकलते हैं तो उनको सैंपलिंग कराई जाएगी और नगर निगम के सहयोग से वहाँ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही या कंट्रोल एक्टिविटी कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की जबलपुर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आर के पहाड़िया से। वो कह रहे हैं कि इस बीमारी के दो पॉजिटिव केस मिले हैं, एक 3.5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, और बच्चों के लिहाज से ये बीमारी बेहद गंभीर है और ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। लेकिन लोगों से यही अपील है कि वो ऐसे उपाय करें ताकि किसी को भी मच्छरों का फैलाव ना होने पाए, क्योंकि ये बीमारी भी मच्छर जन्य बीमारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।